जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान और एक महिला के बीच की बात का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऑडियो में महिला अपने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक लेने की बात कह रही है। सोशल मीडिया में वायरल हुए ऑडियो की सत्यता की पुष्टि खुद महिला और बीजेपी नेता ने की है, लेकिन अब भाजपा नेता इस ऑडियो वायरल को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। ऑडियो वायरल होते ही जिले भर के तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता और महिला से हुई बातचीत का ऑडियो 25 मिनट से भी अधिक का है, जिसमें पहले तो नेताजी महिला से एक फोटो मांग रहे हैं और अपने मकान में महिला को रखने और नौकरी दिलाने की बात भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला को लेकर घूमने जाने की बात भी हो रही है। दूसरे ऑडियो में महिला अपनी पीड़ा जिला अध्यक्ष से बता रही है और अपने ही पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है और अपने पति को तलाक लेने की बात भी कह रही है, जिसके पीछे की वजह दहेज है। महिला अपने ससुर पर 25 लाख दहेज मांगने का आरोप लगा रही है, जिसके बाद बीजेपी नेता और महिला ने ऑडियो वायरल करने वालों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत की है। पीड़िता महिला खुद स्वीकार भी कर रही है कि यह ऑडियो मेरा है, फोन गुम हो गया था जिसके बाद यह ऑडियो वायरल हुआ है, लेकिन मैं अपनी ससुराल पक्ष वालों से परेशान हूँ, मैं उनसे तलाक ले रही हूँ, जिस पर मेरा सहयोग अध्यक्ष जी कर रहे हैं। सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला, क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार है, तो ये काफी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा टाइबो का केस चल रहा था, तो ये काफी मतलब काफी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था, तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो, मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स के लिए इन्होंने फोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइन किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। वहीं सीधी बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान का कहना है कि यह ऑडियो मेरा ही है, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है उस पूरे ऑडियो को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया में पेश किया गया है, इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। इस जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें दो तीन चीजें मुझे कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि उस ऑडियो में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं कहां का खलनायक हूं, ठीक, कि भाजपा जिला अध्यक्ष की देखिए करतूत और बेसहारा महिला का माने कर रहे दुरुपयोग या शोषण, ऐसा कुछ शब्द है, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, क्या उन लोगों ने उस महिला से पूछा कि क्या उसने कहीं शिकायत की है, क्या थाना में पुलिस अधीक्षक के वहां या किसी पत्रकार वार्ता में वो महिला आई, अगर महिला नहीं आई तो ऑडियो वायरल करने का अधिकार कैसे है। इसी प्रकार जिससे मेरी बात हो रही है वह मेरे पास पहले आई और दो तीन लोग मेरे साथ उसके साथ आए, महिलाएं आई और उसने मुझसे मदद मांगी। और जब मदद मांगी तो मैंने पहले प्रयास किया कि उसके पति का उससे समझौता हो जाए, और जब बात नहीं होनी तो दोनों पक्षों ने कहा कि हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं रहती। तो हमने कहा ठीक है, वो पैसे की डिमांड महिला करने लगी, ज्यादा करने लगी। हमने कहा जब तलाक आप लोग चाहते हो तो फोटो चाहिए, इसमें तस्वीर चाहिए, जब तस्वीर चाहिए तो उसने कहा कि हम खिंचवा करके फोटो दे देंगे, वकील आप करवा दीजिए। आप लोग एक बात देखिए, इतना होने के बाद भी हम समझौता नहीं करवा पाए, तो हमने उसमें उससे तस्वीर मांगी। जब तस्वीर मांगी तो ऐसा लिखा जा रहा अश्लील बातें की, आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, एक भी शब्द उसमें अश्लील है क्या सिवाय हंसी मजाक के और तस्वीर मांगने के? तो तस्वीर हम देखने के लिए नहीं मांग रहे थे, अगर तस्वीर मांगना होता तो कहते डीपी बदल दो, ठीक है, यहां चीजें बदल दो, ऐसी तस्वीर दो, तो हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। तो जब नहीं कहा तो मैं दोषी कैसे हो जाऊंगा? और सबसे बड़ी बात आप लोगों से आग्रह है, अगर उस महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया हो तो आप जांच करवा करके मुझे फांसी दीजिए ना, अगर मैं दोषी हूं तो। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक
मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आई एम ए कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।